मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शनिवार को आदर्श स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगी। इसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। शुक्रवार को जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जहां भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली निकाली, वहीं थड़ियों पर चाय पर चर्चा का आयोजन कर राजस्थान गौरव यात्रा का प्रचार किया। राजस्थान गौरव यात्रा रविवार को थार नगरी बाड़मेर पहुंचेगी, जहां रवि व सोम को विधानसभा वार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सभाओं को संबोधित करेगी। राजस्थान गौरव यात्रा की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन व प्रचार प्रसार में जुटी राजस्थान सरकार व भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को जिले भर में डोर टू डोर संपर्क कर आम जनता को गौरव यात्रा में आने का निमंत्रण दिया। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से शाम को डाक बंगला के आगे से रैली निकाली। वाहन रैली को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आय के चौपाल के जरिए हम राजस्थान गौरव यात्रा जो कल यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बाड़मेर आ रही है उसको लेकर आम जन से चर्चा कर रहे हैं कि कल वहां पधारें और इस यात्रा में पधार कर राजस्थान के विकास को चार चांद लगाए, उन मुख्यमंत्री जी को सुने। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सवाई कुमावत की अगुवाई में निकली वाहन रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकली, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से आम जनता को राजस्थान गौरव यात्रा में मुख्यमंत्री की आदर्श स्टेडियम में आयोजित सभा में भाग लेने का निमंत्रण दिया। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को चाय की थड़ियों पर चाय के बहाने चर्चा की और आमजन को राजस्थान गौरव यात्रा में आने का निमंत्रण दिया। वहीं अब रविवार को जालोर से होकर गौरव यात्रा व गौरव रथ बाड़मेर की सीमा में पहुंचेगा, जहां गुड़ामलानी चौहटन में बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित आदर्श स्टेडियम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की सभाओं का आयोजन होगा।